एविडेंस, जिसके ऊपर हर तरह की कोर्ट की प्रोसीडिंग टिकी होती है, जिसके बिना कोर्ट में चाहे वो क्रिमिनल केस चलता है या सिविल, कोई भी केस आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। पर क्या हमें ये पता है कि कब, कहाँ, कैसे, किस केस में कौन सा एविडेंस हमारा एक्सेप्टेबल होगा और कौन सा नहीं? तो जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक उसी एविडेंस के ऊपर है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि एविडेंस होता क्या है, किस केस में, कहाँ पे, कब, कहाँ, कैसे, कौन सा एविडेंस दिया जा सकता है, कौन सा एविडेंस हमारा एक्सेप्टेबल होगा और कौन सा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Guys, this is Annie and you are watching Study for You. Start करने से पहले guys, मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, then please subscribe it first, so that आपके लिए क्वेरीज के लिए जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ, आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एविडेंस होता क्या है। एविडेंस मीन्स सबूत, इन लेमैन्स लैंग्वेज प्रूफ। अगर कोई भी किसी तरह का बात होती है, केस आता है, तो हम कहते हैं कि इसका क्या प्रूफ है या फिर क्या प्रूफ होना चाहिए। बट अगर प्रूफ और एविडेंस अलग अलग वर्ड हैं इंग्लिश में, अलग अलग वर्ड हैं लॉ में, तो इनका सेम मीनिंग कैसे हो सकता है? तो जी, इनका सेम मीनिंग भी नहीं है, सेम मतलब भी नहीं है। प्रूफ जो है वो एक तरह की कैटेगरी है, एविडेंस जो है उसकी सब कैटेगरी है। जैसे कि अगर कोई मर्डर का ही केस ले ले, तो मर्डर में जो भी केस की प्रोसीडिंग के टाइम जितने भी एविडेंस दिए जाएंगे, तो एंड में एक वर्ड प्रूफ ही काउंट होगा कि इस केस के रिगार्डिंग ये प्रूफ मिला। तो इट मींस प्रूफ के अंडर जितने भी केसेस, जितने भी एविडेंस होंगे, वो सारे एक ही वर्ड प्रूफ की कैटेगरी में एंटर हो जाएंगे। तो प्रूफ क्या हो गया, एक कैटेगरी होगी, एविडेंस उसकी सब कैटेगरी होगी, एविडेंस उसका मोड हो गया। अब हम बात करेंगे रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी के ऊपर, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि हर तरह का एविडेंस रेलेवेंट भी हो एंड एडमिसिबल भी हो। लेमैन को ज्यादातर ये नहीं पता होता कि हर केस में हर तरह का एविडेंस हम, हर तरह की बात हम नहीं रख सकते, बिकॉज कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं, जो केस के साथ रिलेट करते हैं, बट कोर्ट उनको एडमिसिबल नहीं मान सकता। और कुछ ऐसे होते हैं जो एडमिसिबल होते हैं और कोर्ट उनको रेलेवेंट नहीं मानता। लॉ में और लेमैन की समझ में थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि हर तरह का एविडेंस जो होता है, जरूरी नहीं है कि वो रेलेवेंट भी हो और एडमिसिबल भी हो। कोई भी चीज जानने से पहले उसकी बैकग्राउंड, नेचर, एप्लीकेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि वो कहाँ से आई, कैसी है, कहाँ पे अप्लाई की जा सकती है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, तो एविडेंस के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा सेपरेट लॉ नहीं था। तब सिर्फ पर्सनल लॉज थे जिसके रिगार्डिंग, जिसको देखकर कोर्ट्स में जो जजेस थे, कोर्ट्स थी, वो केस का निपटारा करती थी। ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने देखा कि कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है, तो उन्होंने हर एक एविडेंस के रिगार्डिंग हर एक प्रोविजन को मर्ज कर आज के टाइम में एक इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का दे दिया, जिसके रिगार्डिंग आज की कोर्ट्स हर तरह के क्रिमिनल और सिविल केस में फॉलो कर किसी भी केस में प्रोसीडिंग को प्रोसीड करती हैं और केस का निपटारा करती हैं। अब बात करेंगे एविडेंस एक्ट के नेचर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे, इट्स अ स्पेशल लॉ। स्पेशल इन द सेंस कि ये एक ही चीज के साथ डील करता है, डेट इज एविडेंस। मतलब किस केस में कैसा एविडेंस दे सकते हैं, कैसा नहीं, कौन सा रेलेवेंट होएगा, कौन सा नहीं, एडमिसिबल कौन सा होएगा, कोर्ट किसको कंसीडर करेगी या नहीं, हर चीज इसके अंडर ही आती है। तो डेट मीन्स ये एक ही चीज के बारे में बात करता है। नाउ प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल मतलब किस स्टेज में, कौन से केस में कैसा एविडेंस कब देना है, ये उसके बारे में बात करता है। इट्स अ लेक्स फॉरी। लेक्स फॉरी मतलब कि हर कोर्ट का अपना एक रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं जिसको वो फॉलो करती है। जैसे इंडिया में कुछ अलग रूल्स होंगे, कहीं और कोर्ट में जाके कुछ अलग रूल्स होंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे तो ये रूल था कि इस केस में इस स्टेप, ये स्टेप आना था, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्यों नहीं आया। डेट मीन्स ये लेक्स फॉरी, हर कोर्ट का, हर जगह का, हर लैंड का अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही एविडेंस को भी फॉलो किया जाएगा। इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ। एग्जॉस्टिव इन द सेंस ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट
का मतलब ये नहीं है कि ये अपने आप में एविडेंस रिगार्डिंग कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट का मतलब है कि इसमें ऐसे कुछ एविडेंस की प्रोविजंस हैं जो सिविल में अलग से अप्लाई की जाती हैं एंड क्रिमिनल में अलग से। जैसे कि क्रिमिनल में कोई भी ऐसा डाउट नहीं छोड़ना चाहिए केस में, एविडेंस के रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहिए जिसके कारण कोई भी बेनिफिट अक्यूज्ड को मिल जाए। और सिविल में इसका वेटेज देखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू देखी जाती है कि एविडेंस कितना है, तभी केस की प्रोसीडिंग, तभी केस का जस्टिस होता है। नाउ नेक्स्ट, इट इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स जब ये एक्ट प्रेजेंट में आया 1872 को, तब इससे पहले जितने भी केसेस थे वो सारे केसेस के ऊपर भी ये एप्लीकेबल हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि ये कहाँ एप्लीकेबल होता है और कहाँ पे नहीं। एविडेंस एक्ट जो है वो बेसिकली इंडिया की सभी स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, बट एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को छोड़कर। एविडेंस एक्ट जो भी है हमारे पास, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं 1872 का, वो कोर्ट मार्शल एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग वो प्रोसीडिंग जो कि कोर्ट के सिनारियों में जज के सामने ऑन ओथ अगर कोई एविडेंस देता है, और जज अगर कोई एडवोकेट जज कोई एविडेंस ले रहा है तो वो हर एक प्रोसीडिंग हर एक प्रिंसिपल एविडेंस एक्ट का ही फॉलो करेंगे। एविडेंस एक्ट जो है वो डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल्स और नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी तरह की इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आ गया, या फिर डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरीज आ जाती है, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बिकॉज जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो एविडेंस को फॉलो नहीं करते, वो ज्यादातर अपने नेचुरल जस्टिस को ही फॉलो करते हैं। एविडेंस एक्ट अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एफिडेविट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। बिकॉज एफिडेविट अगर कोई देता है कोर्ट में तो वो एक पर्सनल बिलीफ होता है, जिसको पता होता है, बंदे को खुद को पता होता है कि मैं ये काम कर रहा हूं और मेरी नॉलेज में है। एविडेंस ऐसे नहीं होता। बट हाँ, अगर कोर्ट बोले कि अगर मैंने एविडेंस लेना है तो वो आपको एफिडेविट के थ्रू देना होगा, तो वो एविडेंस माना जा सकता है। अदरवाइज एविडेंस एक्ट जो है वो एफिडेविट को फॉलो नहीं करता, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात आती है कोर्ट मार्शल। अगर कोई आर्मी एक्ट के अंडर कोई कोर्ट मार्शल होता है, कोई इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट के अंडर, या फिर एयरफोर्स एक्ट के अंडर, तो वो भी एविडेंस एक्ट की कैटेगरी में एविडेंस एक्ट उस कोर्ट मार्शल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कोई ऐसा कोर्ट मार्शल जिसके लिए जो कि आर्मी नेवी या एयरफोर्स करवाती है उन एक्ट के अंडर, बिकॉज उनके पास उनके खुद के एक्ट, खुद के प्रिंसिपल, खुद के लॉज है, तो इसलिए जो एविडेंस एक्ट है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। वो हर एक जो एक्ट है, फोर्स है, वो अपने ही पर्सनल लॉज प्रिंसिपल को फॉलो करके उसके ऊपर एप्लीकेबल करेगी। एविडेंस एक्ट जो है वो हर तरह की सिविल प्रोसीडिंग जो होती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो होती है, हर तरह की प्रोसीडिंग में एप्लीकेबल होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जब हम एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे या फिर पढ़ते हैं, तब उनमें प्रोविजंस आती हैं सेक्शन 115 से लेके 117 तक, जहां पे एस्टॉपल के बारे में बात करी गई है, जो कि सिविल का एक राइट है। और अगर हम बात करें सेक्शन 24-30 से लेके, जहां पे कन्फेशन के बारे में बात करी गई है, जो कि क्रिमिनल का एक प्रोविजन है। ऐसे ही एविडेंस एक्ट जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही प्रोसीडिंग्स में फॉलो किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे तीन प्रिंसिपल जिनके ऊपर लॉ ऑफ एविडेंस बेस्ड है, जिनके ऊपर, जिनको फॉलो करते हुए कोर्ट एविडेंस को एडमिसिबल मानती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एविडेंस जो होता है वो किस तरह का होना चाहिए। अगर कोई भी केस कोर्ट में चल रहा है, उस केस में जो भी मेन डिस्प्यूट है, जो भी मैटर इन इश्यू है, एविडेंस हमेशा उस तक ही सीमित होना चाहिए, उसके साथ ही रिलेट करना चाहिए। दूसरी बात, कोई हेयर से एविडेंस नहीं होना चाहिए, मतलब कोई सुनी सुनाई बात नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण अगर आप कोई सुनी सुनाई बात कोर्ट में जाके दे रहे हो एज एन एविडेंस के तौर पर, तो वो आपका रिजेक्ट हो सकता है। तीसरी बात, किसी भी केस में अगर आप एविडेंस दो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास ऐसा एविडेंस हो जो कि इतना स्ट्रांग हो जिसके बेस के ऊपर आपका पूरा केस टिक सकता है। आपको लगता है कि आप उस केस के बिहाफ में ऐसा एविडेंस दे सकते हो जिसके कारण आप केस को ही जीत सकते हो, ऐसा एक तरह का बेस्ट एविडेंस आपको देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।